अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हदीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस तो नहीं है, काफी टाइम से कोई मोबाइल की प्राइस चेंज नहीं हुई है, तो कुछ रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस की बात करेंगे जिनकी अभी अभी रिसेंटली लॉन्च प्राइसेस अनाउंस हुई हैं। जैसे सैमसंग की गैलेक्सी S21 सीरीज पाकिस्तान में ऑफिशियल लॉन्च हुई है, जिसमें S21 लॉन्च किया गया है 1,70,000 रुपए की प्राइस के अंदर, S21 प्लस 1,95,000 रुपए की प्राइस के अंदर, जबकि S21 अल्ट्रा 2,30,000 रुपए की प्राइस के अंदर। ये तीन डिवाइसेस सैमसंग की S21 सीरीज रिसेंटली लॉन्च हुई है। अभी प्री बुकिंग चल रही है, प्री बुकिंग में गिफ्टिंग भी है, तो आप प्री बुक करना चाहते हैं तो अभी आपको गिफ्टिंग मिलेगी। उसके बाद जब दूसरा स्टॉक आता है फिर उसमें प्री बुकिंग नहीं होती, गिफ्टिंग नहीं होती। और ये तीनों डिवाइसेज जो है, तीनों वेरिएंट है, वो 5G डिवाइसेज है। 5G डिवाइस पाकिस्तान में आना शुरू हो गई है, लेकिन 5G सर्विसेज का अभी कुछ नहीं पता पाकिस्तान में कब आती है। और सैमसंग की तरफ से एक मेरे पास और न्यूज़ है, सैमसंग की जो एम सीरीज आई थी दराज पे, उसके हवाले से आप लोगों को अपडेट देनी थी, क्योंकि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है आप लोगों के लिए। यानी ये बताना था कि सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज अगर आप कोई भी दराज से बाय करते हैं तो उस पर वारंटी क्लेम नहीं होगी। वारंटी सेंटर्स ने मना कर दिया है, सैमसंग के जो वारंटी सेंटर्स हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का हो या ग्लोबल कस्टमर सर्विस सेंटर हो, उन्होंने मना कर दिया है, सैमसंग की वारंटी क्लेम नहीं होगी। सैमसंग की एम सीरीज की वारंटी, जो भी दराज एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी वारंटी क्लेम नहीं होगी। तो इस पर मैंने सैमसंग की तरफ से भी ऑफिशियल मैसेज किया था, पूछा था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। और सैमसंग के जो दराज की तरफ से मैंने बात की दराज पे कस्टमर केयर सेंटर से, तो उनकी तरफ से भी ये कहना था कि सैमसंग की तरफ से वारंटी है, 1 ईयर ब्रांड वारंटी है, लेकिन आप सर्विस सेंटर जाते हैं, सर्विस सेंटर में खुद भी गया, मैंने M51 बाय किया था, उनसे पता किया तो वो कह रहे हैं नहीं, वारंटी में क्लेम नहीं होगा। दराज सिर्फ 14 डेज की रिटर्न पॉलिसी देता है, अगर 14 दिन के अंदर आपने सेट लिया है और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई खराबी होती है, तो सिर्फ 14 डेज तक का टाइम है जिसके अंदर आप दराज को रिटर्न कर सकते हैं। आफ्टर 14 डेज के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सैमसंग की यानी ऑफिशियल ब्रांड वारंटी होती है, लेकिन सैमसंग की एम सीरीज में सैमसंग क्लेम नहीं कर रहा वारंटी को। यानी अगर आपका सेट 15 दिन बाद या 1 महीने बाद खराब हो जाता है तो आपको उसको पे करना पड़ेगा, उसको बनवाने के लिए इसकी कोई वारंटी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा निगेटिव पॉइंट है सैमसंग के एम सीरीज के ऊपर, क्योंकि हम देखते हैं 60,000 रुपए की प्राइस के अंदर M51 दराज पे अवेलेबल है, लेकिन अगर उस पर वारंटी नहीं है तो उसका मतलब ये नॉन वारंटी 60,000 रुपए का है। अगर ये वारंटी में होता तो क्या 70-75,000 रुपए की सेट होती है डिवाइस, इतनी महंगी तो स्पेक्स नहीं है इसकी। तो अगर 60,000 रुपए में भी आपको वारंटी नहीं मिल रही तो फिर ये काफी ओवर प्राइस कहूंगा इस डिवाइस को, 50,000 तक होनी चाहिए थी अगर नॉन वारंटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वरना वारंटी देनी चाहिए थी। वारंटी मेंशन भी कर रहे हैं दराज पे, लेकिन यहाँ पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको वारंटी है नहीं, सर्विस सेंटर पे क्लेम होगी नहीं, लेकिन वारंटी मेंशन की जा रही है। तो ये एक अपडेट देनी थी, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो भी लोग एम सीरीज बाय करना चाह रहे हैं, M21, M31, M31S, M51 या इसके अलावा भी कोई एम सीरीज आएगी, उस पर भी सैमसंग की तरफ से वारंटी नहीं होगी। इसके अलावा रिसेंटली नोकिया ने 8.3, ये भी 5G डिवाइस है, पाकिस्तान में लॉन्च की है 1,15,000 रुपए की प्राइस के अंदर, और ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लॉन्च की है। वैसे नोकिया की अक्सर डिवाइसेज ओवर प्राइस होती हैं, 5G डिवाइस की अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी प्राइस 1,15,000 रुपए जस्टिफाई नहीं कर रही, क्योंकि Xiaomi Mi 10T जब ऑलरेडी अवेलेबल है 5G डिवाइस स्नैपड्रैगन 865 के साथ 70,000 रुपीज के अंदर, और 10T Lite भी मौजूद है 750G के साथ 50,000 रुपए की प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे हमें नोकिया एक 5G डिवाइस दे रहा है 1,15,000 रुपए के अंदर, तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही, नोकिया की हमेशा से ओवर प्राइस ही होती है डिवाइसेस। इसके अलावा रिसेंटली इन्फिनिक्स ने हॉट 10 प्ले लॉन्च किया था, हॉट 10 का लाइटर वर्जन, जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग भी की है रिसेंटली, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, 17,000 रुपए की प्राइस के अंदर, 2GB रैम 32GB रोम का वेरियंट, जो कि मुझे ओवर प्राइस लग रहा है, 12,000 13,000 या 14,000 मैक्सिमम प्राइस की जस्टिफाई करती थी, और मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया भी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा अपकमिंग डिवाइसेस की बात करें, यहाँ पे तो कोई खास न्यूज नहीं है अपकमिंग डिवाइसेस के हवाले से, रेनो 5 प्रो आएगा, लेकिन आई थिंक वो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, जनवरी में नहीं आ रहा, फेब के अंदर आएगा, और ये भी 5G डिवाइस होगी, ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G वेरिएंट होगा, जिसके अंदर डायमेंसिटी 1000 प्लस की कोई चिपसेट यूज की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में अभी कोई लेटेस्ट अपकमिंग डिवाइसेस नहीं है, और भी इंडिया में कुछ वीवो Y20G के नाम से एक नई डिवाइस लॉन्च हुई है, Y20S जैसी स्पेसिफिकेशन है, सिर्फ MediaTek Helio G80 को यहाँ पे यूज किया गया है, प्रोसेसर चेंज किया गया है, तो उसका नाम है Y20G। पहले हमने देखा Y20 आया था, फिर Y20S आया था, अब Y20G के नाम से आया है, इसमें G80 को यूज किया गया है, बाकी स्पेसिफिकेशन वही है, Android 11 और MediaTek Helio G80 6GB रैम 128GB रोम के साथ,
अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, देखते हैं शायद पाकिस्तान में भी इस वेरिएंट को लेकर आए। इसके अलावा वीवो ने Y31 भी लॉन्च किया है इंडिया में, स्नैपड्रैगन 662, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 5000 mAh बैटरी, वही स्पेसिफिकेशन है जो पाकिस्तान में पोको ने M3 के अंदर की और Redmi ने 90 के अंदर लॉन्च की थी, वही स्पेसिफिकेशन वीवो ने Y31 के नाम से इंडिया में लॉन्च की है। तो अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।